गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 61, तिथि 27 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। और यहाँ पर हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन, और ये 11th चैप्टर है हमारा NCERT की बुक के अंदर। अगर आप देखते हैं तो ये 11th चैप्टर है यानी कि 11 नंबर चैप्टर, अध्याय नंबर 11, आवश्यक पूर्व ज्ञान। तो सबसे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए। क्या आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए? रेखाखंड व त्रिभुज की समझ आपको होनी चाहिए। तो आगे यहाँ पर बच्चों, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड के दोनों अंत्य बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। यानी कि जो आपको रेखा दी गई है, रेखाखंड जो दिया गया है, उस का जब लंब समद्विभाजक की बात की जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की जा रही है, तो यानी कि मोर देन हाफ आपको क्या क्या है करना है, कंपास को ओपन करना है और फिर यहाँ पर यानी कि बोथ साइड में आपको आर्क लगानी है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी टॉप की तरफ और एक बॉटम की तरफ। तो ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि जहाँ पर वो काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें मिलाने पर दिए हुए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक प्राप्त होता है। तो यानी कि उनको मिलाने पर, जहाँ वो इंटरसेक्ट करती हैं उनको फिलहाल अगर दोनों को मिला दें, जैसे यहाँ इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ सी और इस पॉइंट पर ये दोनों की जो आर्क हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद में जिस पॉइंट पर वो कट कर रही हैं उनको मिला दिया, यहाँ पर फिर वो ओपर यानी कि दोनों की दोनों लाइनों को मिलाने के बाद में वो ए बी लाइन को ओपर कट करती हैं। तो ये जो ए और ओ बी है यानी कि इसका हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा आधा हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा। तो एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को दो बराबर लंबाई के भागों में विभाजित करता है, उस रेखाखंड पर लंब होता है। आइए इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। तो आगे यहाँ पर हमें उदाहरण दिया हुआ है, तो किस तरीके से तो हम इसको समझते हैं। तो पहला उदाहरण है 9.5 लंबी सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर रेखाखंड दिया है 9.5 का, तो सबसे पहले हमने 9.5 की ए बी लाइन हमने खींची। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखाखंड ए बी 9.5 सेंटीमीटर खींची। दूसरा, ए और बी को केंद्र मानकर, यानी कि ए को केंद्र मानकर यहाँ पर दोनों तरफ आर्क लगाई, यानी कि मोर देन हाफ खोलकर, यानी कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर, यानी कि ए बी का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर आपने इधर चाप लगाई, फिर इधर चाप लगाई, फिर बी से आपने इधर चाप लगाई और फिर बी से इधर चाप लगाई, यानी कि बी पर आपने नुकीली चौंच रखनी है जो लोहे वाली होती है, और इधर पेंसिल से इधर यहाँ आर्क और यहाँ आर्क, जहाँ वो दोनों कटती हैं उन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। जहाँ पर वो मिलाते हैं वो पॉइंट जो होगा हमारा, जहाँ पर वो दोनों के दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं ओ पॉइंट, कह दिया या कोई अदर नाम रख सकते हैं। तो ये ए ओ और ओ बी की जो लंबाई आएगी वो बराबर आएगी। तो आप नाप भी सकते हैं, ए बी को केंद्र मानकर 9.5 सेंटीमीटर के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ए बी के दोनों तरफ चाप लगाई, जो एक दूसरे को परस्पर सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिए, बिंदु सी और डी को मिलाइए, सी डी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक होगा। जो सी डी है वो ए बी भुजा का लंब समद्विभाजक, यानी कि उसको बराबर दो पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आगे यहाँ कहा जा रहा है, बच्चों आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीन भुजाएं वे तीन कोण होते हैं। एक त्रिभुज की त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें उसके निम्नलिखित माप समूहों में से कोई एक पता होनी चाहिए। तो तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण पता होना चाहिए, या दो कोण और उनके बीच की भुजा पता होनी चाहिए, या फिर समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक भुजा हमें चाहिए। तो आइए इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। आगे हमारे लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर सबसे कहा, पहले कहा है कि 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। अब देखो 5.5 समबाहु त्रिभुज, समबाहु को इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने बनाना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है कि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सारी की सारी साइड्स 5.5 की ही होंगी। तो समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, तो पहला, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज ABCA तीनों की तीनों 5.5 सेंटीमीटर की होंगी। तो पहला क्वेश्चन, 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचिए, और दूसरा,
यहाँ पर आगे पॉइंट बी और सी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर यहाँ पर आर्क लगाई, फिर सी से यानी कि कितना ओपन कर कर 5.5 सेंटीमीटर प्रकार खुल के आपने यहाँ पर चाप लगाई, फिर यहाँ सी पॉइंट को केंद्र मानकर फिर यहाँ से आपने चाप लगाई, जहाँ दोनों चापें कट करती हैं वहाँ से इनको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर जाकि दो चाप खींचिए जो परस्पर एक दूसरे को त्रिभुज यहाँ सॉरी पॉइंट ए पर काटती हैं, यानी कि बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद मीन्स इंटरसेक्ट करती हैं, बिंदु ए को बी बिंदु से और बिंदु ए को सी से बिंदु से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी जो ये हमारी बन गई, ये त्रिभुज होगी हमारी एबीसी समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारी होगी। तो आगे अब यहाँ प्रयास कीजिए। तो यहाँ तीन सवाल दिए गए हैं, इनको मैं नेक्स्ट शीट पे आपके लिए समझाता हूँ। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार का संबंधी संदेश आपको दिया जा रहा है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो सभी बच्चे इसका बिल्कुल अनुपालन करें। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। जब दिया है कि पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3.5 है और पी आर 4 सेंटीमीटर है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो यहाँ पर दो भुजा हमारी बराबर हैं, तो कौन सा हुआ? समद्विबाहु हमारा त्रिभुज हुआ, जिसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो अब यहाँ पर हमें इस त्रिभुज की रचना करनी है। तो सिंपल चीज़ है, आपको तीनों साइड्स यहाँ पर दे रखी हैं, यानी कि साइड आपको दे रखी हैं, साइड यानी कि आपको तीनों के तीनों साइड्स यहाँ पर दे रखी हैं। तो अब आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने पी क्यू 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, यहाँ पर पी ए और क्यू आपने लिख लिया। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे पी आर, तो यहाँ से P को सेंटर मानकर आप 4 सेंटीमीटर की प्रकार को ओपन करेंगे और यहाँ से चाप लगाएंगे। इस तरीके से आपने चाप लगा दिया। फिर यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट से हमने ये चाप लगाई है। फिर इसके बाद में QR Q पॉइंट को सेंटर मानकर अब हमें 3.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर यहाँ पर चाप लगानी है। यहाँ पर हमने चाप लगाई 3.5 की, और यहाँ पर जिस पॉइंट पर काटा वो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा पी क्यू के अलावा। इसका थर्ड पॉइंट कौन सा है? R। तो ये हमारे R पॉइंट पर इन्होंने कट कर दिया। जो यहाँ पर ये कट करा इस पॉइंट से, अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 3.5 हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं। हिंदी में कहा जाता है चरण, जैसे हमने ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल्स में आपके लिए बताया, तो वैसे ही उसको लिखना भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर कहा है 10.3 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो यहाँ पर लंब समद्विभाजक आपने खींचना है 10.3 सेंटीमीटर लंबाई की एक लाइन खींचकर। तो सबसे पहले आप स्केल रखकर 10.3 की लंबाई की एक रेखा खंड खींचेंगे। तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपको नाम दिया हुआ है तो वही नाम रखना है, नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर ए को सेंटर मानकर आप मोर देन हाफ यानी कि ए बी का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर आप यहाँ पर चाप लगाएंगे। इधर भी नीचे की तरफ भी आप चाप लगाएंगे मोर देन हाफ कर। फिर बी को सेंटर मानकर यानी कि केंद्र मानकर फिर हमने एक चाप और लगाई यहाँ पर, जहाँ वो चाप एक दूसरे को कट करती हैं उनको हमने क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से जहाँ ज्वाइन होंगी वो एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये कट हुआ था और यहाँ पर ये इस पर हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पर वो बिल्कुल एक्सैक्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इधर उधर है, लेकिन जब कंपास के थ्रू आप बनाएंगे तो बिल्कुल एक्सैक्ट आपका बन जाएगा। तो इन पॉइंट्स के आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर वो कट कर रहा है इस पॉइंट का नाम आप M भी दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको O दिया है तो आप कुछ भी नाम दे के कर सकते हैं। तो यहाँ पर AB की लंबाई AM की लंबाई MB के बराबर होगी, और जो CD ये है ये AB पर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यानी कि ये 90 का भी बनाएगा इस पर, इसको बाइसेक्ट भी करेगा। यानी कि बाइसेक्ट मीन्स होता है इक्वल टू पार्ट्स में, इस ये साइड यानी कि इसके बराबर होगी। तो इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे जैसे आपने बनाए वैसे वैसे इसके स्टेप्स भी आप लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो किस तरीके से आपको ने बनाना है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, समबाहु त्रिभुज यानी कि जो अभी हम एग्जांपल बताए 4.3 की हमें यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? यानी कि जिसकी
तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में यानी कि हमें जो साइड दे रखी है 4.3 सेंटीमीटर, तो 4.3 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर लाइन ले ली। और त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है, तो त्रिभुज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपने इसको बी सी रख दिया। तो बी पॉइंट को सेंटर मान के आपने यहाँ पर आर्क लगाई मोर देन हाफ कर, मोर देन हाफ यानी कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना बी सी का, और तब यह आर्क लगाने। फिर सी को सेंटर मानकर फिर आपने इधर से इधर आर्क लगाई, जहां पर वो दोनों के दोनों पॉइंट काटते हैं तो वो त्रिभुज ए यानी कि ए बी सी का थर्ड पॉइंट हो गया। बी सी तो यहां पर है, तो थर्ड पॉइंट कौन सा हुआ, यानी कि तीसरा पॉइंट ए हो गया। तो यहां जहां पर कटा कट करा, यहां से इसको मिला दिया और यहां से सी को भी आपने मिला दिया। तो ये लाइन जो मिलाई आपने, तो ये त्रिभुज आपकी 4.3 सेंटीमीटर का आपने ये लगाई थी, 4.3 की ही आपने ये आर्क लगाई थी। तो यहाँ पर मिलने के बाद में ये जो त्रिभुज बन गई आपकी, ये त्रिभुज बन गई समबाहु त्रिभुज आपकी बन गई, समबाहु त्रिभुज ए बी सी हमने नाम दे दिया, तो त्रिभुज ए बी सी हमारी बन गई। अब जैसे जैसे हमने बनाए वैसे वैसे इसके स्टेप्स भी लिखने, जैसे ऑलरेडी एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।